स्टार्ट स्टार्ट हाय हाय हाय, दिस इज आजे आभा। एंड आजे तमे हस्या के नहीं, पहला एम को हवे आजनो दिवस अने आगळनो समय सुधारवा माटे, सारी मोमेंट्स आपवा माटे आपणी साथे अत्यारे स्टूडियो मां નાન અધર દેન। જો પહેલા જ કહી દઉં કે જેમ માય ફેમ કહેતું આવ્યું છે કે હસી હસીને દુખવાના છે તમારા ગાલ, કારણ કે આવી ગયા છે સુનિલ પાલ। ક્યા બાત ક્યા બાત ક્યા બાત હે ને, હમારે સાથ જય ભી હે। સો મોસ્ટ વેલકમ ટુ ધ સ્ટુડિયો। થેન્ક યુ। આજ મુજે દુગની તિગની ખુશી હો રહી હૈ। એક તો મેં માય એફએમ મેં મતલબ મેં કહી સકતો હું મેરે ઘર વાપસ આયા હું। માય એફએમ કા મેને ફુલ ફોર્મ બનાયા, માય એફએમ મેરે ફાધર મધર। राजकोट में मैं तब से आ रहा हूँ जय, जब मैं बाबला जी के साथ आता था, बाबला कांचन की बिल्कुल, अरे तो बस से आता था, तो मैं आज फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ राजकोट वालों के लिए कि राजकोटियन का धन्यवाद कि मैंने इनकी वजह से राजकोट में आकर या आने के लिए जमीन से आसमान तक की तरक्की की है। वाह वाह, पहले बायर उड़ाता था, अभी बाई फ्लाइट आता हूँ। क्या तरक्की है। और हमारी आभा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आभा का मतलब होता है आभा मंडल, मतलब आप को देख के ही लगता है कि टैलेंट, जिसे कह सकते कि सर से पांव तक टैलेंट से भरी है, यही वो टैलेंटेड राजकुमारी है। क्या बात है, क्या बात। और द लाफ्टर चैंपियन, लाफ्टर इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के हमारे सुपरस्टार जो लाफ्टर चैलेंज से शुरू हुए थे, लाफ्टर चैंपियन तक पहुंच गए। क्या बात है। हमारे स्टार वन से शुरू हुए थे और सोनी टीवी तक पहुंच गए, हमारे जय चनियारा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हमने बाल कलाकार देखा था, अब पूरी तरह से तैयार कलाकार है। और आज मैं हम दोनों की जोड़ी को हम कहना चाहते हैं बाल कलाकार विद पाल कलाकार। क्या बात है। और वो तो राजकोट से भी है। हाँ जी, प्राउड राजकोट की शान। थैंक यू सो मच। सो सुनील जी, आप राजकोट पहले भी आए हैं, राजकोट से आपका नाता है आपने बताया, तो कितना समय हो गया आप आए? अभी तो फिलहाल जब से ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक शुरू हुआ है उसमें मुझे आने का मौका नहीं मिला, वरना मैंने 3-4 साल पहले मैं राजकोट आकर गया हूँ। और उससे पहले कई बार हर टाइप के शोज मैंने किए, नॉट ओनली राजकोट, राजकोट के आसपास में छोटे छोटे गाँव में मैं मुझे बहुत सारी जगह काम करने का मौका मिला, क्योंकि राजकोट के जो लोग हैं वो अतरंगी है सतरंगी है, हर रंग से भरे, इसलिए रंग रंगीलो राजकोट, रंगीलो राजकोट, हाँ रंगीलो राजकोट, तो हर तरह का रंग है इनके अंदर, और जिसके अंदर रंग होता है उसके अंदर ढंग होता है। वाह। अच्छा, अगर हम बात करें, पहले तो सबको पता है कि रुलाना बहुत आसान होता है, हंसाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। तो और मैं तो हम लोग तो जैसे जय भी इस बात को मानेगा, और आज के जमाने में हंसाना तो मुश्किल काम है ही, हंसना और मुश्किल काम है। हाँ वो भी है, जो लोग हंस रहे हैं बड़ी बड़ा बहुत बड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात पे जो सुनील भाई ने कहा, उसी बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि रुलाने वाले तो बहुत मिले पर हंसाने वाला कोई नहीं। रुलाने वाले तो बहुत मिले पर हंसाने वाला कोई नहीं, जिसे देखो बस उजाड़ने चले हैं, यहाँ बसाने वाला कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह। और बहुत सही बात है, क्योंकि एक हंसाना एक्चुअली यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, दुख है, ये है वो है, और वहां पे जो मुस्कान लेके चले हैं और देके देने चले हैं वो आप लोग हैं। वी आर एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू हैव यू गाइज। सुनील जी, आप हमने सुना है कि शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि आपकी जो पूरी जर्नी है, जैसे कि हमने सुना है कि आप यू वर देयर, आप रेलवे स्टेशन पे रहते थे और कुछ चाय की टपरी पे आप काम करते थे, और ये तो मैं पता चल गया कि चाय वाले जो होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। तो गुजराती आदमी जब चाय बेचता है तो प्रधानमंत्री बन जाता है, महाराष्ट्र आदमी जब चाय बेचता है तो गुजरात आ जाता है। अच्छा, तो आपकी जर्नी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है। इसको मैं शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे पूछा तो। थैंक्स आभा। देखिए, हम कॉमेडियंस या किसी भी कलाकार के जीवन में एक संघर्ष में कहानी होती है। हमारा ये जो बालक है इसके, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, ये लड़का जो है इससे हम लोग जीना सीखते हैं। शेखर सुमन को देख के हमेशा
भाव को जाते कहते हैं जय तुमने जिस तरह से अपना काम किया, तुम हमेशा इस तरह से करते हो, तुमने अपने तरफ से तुम जब बचपन से देख रहे हो तब भी तुम जय थे, तुम्हारी जय जयकार है, जिस तरह से तुम कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहे हो इसी तरह से तुम अपना काम कर रहे हो। तो यहाँ बहुत तुम्हारा अपना स्टाइल, तुम्हारा अपना अंदाज है, तुम जिस तरह से कर रहे हो तुम करते जा रहे हो इस तरह से तुम्हारा जोरदार तालियां। मैं यही हम लोग इसी बात को मैं आगे बढ़ाते कहता हूँ कि मेरा जन्म जो हुआ है वो महाराष्ट्र के और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे हुआ है, इसी वजह से आप मुझे देखते हैं कि दोनों राज्यों का मेरे ऊपर असर है। मैं अंदर से महाराष्ट्रीय हूँ और मैं अंदर से महाराष्ट्र और दिखने में आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया। तो वहाँ छोटे से गांव मुरसा में जन्म हुआ, लेकिन बचपन से फिल्मों का शौक, थिएटर के टॉकीज के आसपास चक्कर लगाना, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था, श्री टॉकीज, दिलीप टॉकीज, सुभाष टॉकीज और वहाँ मिथुन चक्रवर्ती के फैन, गोविंदा साहब के फैन, बच्चन साहब के फैन, गाने सुन रहे शबीर कुमार, मोहम्मद अजी, जैसे अपने जसवंत ने किया ना, बिल्कुल वही हम सब की कहानी सेम ही है। तो पहला डांस करने का मौका मिला मुझे रेलवे, मेरे पिताजी रेलवे में थे तो रेलवे का एक गेट टुगेदर हुआ था, उसमें 83 में फिल्म आई थी हिम्मत वाला, उसके गाने पर मैंने डांस किया था। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है, इस गाने में मेरे बोल रहा है ना इत्तेफाक से हवा का भी नाक बहुत लंबा है, बस इसे कटाना मत मतलब प्लास्टिक सर्जरी मत करा, नहीं बिल्कुल आज की लड़कियां एवरीबॉडी नोज अबाउट हर नोज। तो क्या है कि वहां पे डांस करके मुझे पहला मौका, पहला इनाम मिला स्टील का कटोरा, इसलिए नहीं कि मैंने सबसे अच्छा डांस किया, इसलिए कि बाकियों ने बहुत बुरा डांस किया। कटोरा लेके जब मैं पिताजी के पास गया, मैंने पिताजी मुझे स्टील का कटोरा मिला, बोले जा भीख मांगना शुरू कर। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना शुरू कर चाहते थे कि कटोरा लेके जा और जिस जिसके पास जो जो मिले इसमें बटोर, ज्ञान बटोर, आशीर्वाद बटोर, और ये जो चटोरा है इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने आपका प्यार बटोरा है, एंड स्टिल आई एम वर्किंग, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे शौक और बढ़ता चला गया, फिर शॉर्ट में कर रहा हूँ कि पढ़ाई में ध्यान नहीं, तो फिर नागपुर में आ गया, नागपुर में ऑर्केस्ट्रा, ओपी सिंह जी के ऑर्केस्ट्रा में, उन्होंने कहा रहोगे, उन्होंने एक दोस्त का घर देखा था लेकिन वो भी बेचारा छोटा हिवराड़े, उन्होंने कोशिश की लेकिन छोटा घर था। तो फिर मैं अगेन वापस ऑफिस में आ गया और ऑफिस बॉय बन गया, वहाँ पर रहता था, फिर जैसे घर परिवार चलाने का भी थोड़ा बहुत मौका मिलता था, रिक्शा भी चलाता था, करते करते ऑर्केस्ट्रा के साथ में पूरी तरह से बैकस्टेज करने लगा था। फिर 1995 में बॉम्बे आ गया, जिमी मोसेस जॉनी भाई से मुलाकात हुई, जॉनी भाई ने मुझे बोला कि जिमी से मिल, वीर कृष्णा जी ने मुझे उससे मिलाया डांस, वीर कृष्ण, फिर जिमी भाई ने मुझे ऑर्केस्ट्रा में मिलाना शुरू किया, यहाँ वहाँ इधर उधर, फिर दीदार सिंह, ओपी सिंह मुंबई में, बाबला ऑर्केस्ट्रा, मिलन सिंह ऑर्केस्ट्रा, सेवन कलर ऑर्केस्ट्रा, शो टाइम ऑर्केस्ट्रा, महेश नरेश कनोडिया जी के भी साथ में काम करने का मुझे मौका मिला। तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मोरानी ने मुझे मौका दिया, फिर शाहरुख खान, सलमान खान, इनके वर्ल्ड टूर करने लगा, सोनू निगम, विवेक सिंह के साथ में काम, फिर डी टी मेटर पर धमाल नंबर वन सीरियल आया, वो किया, और करते 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 10 साल के बाद मेरे जीवन में लाफ्टर चलने आया। 95 में बॉम्बे आया था और 2005 में लाफ्टर चलने आया, जिसकी वजह से आप आज सब मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, और बस मैं ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे यथाशक्ति ईश्वर इतनी शक्ति दे कि मैं अपने काम को ठीक से करता हूँ। क्या बहुत अच्छे वी रिस्पेक्ट यू फॉर द होल जर्नी, बहुत प्यारा। बॉम्बे में जब मैं पहली बार आया था जय, रियाज जो मुझे मिला, बिल्कुल रियाज का नाम जो है, रियाज से बहुत सारे जोक्स मैंने बना रखे हैं, शुरू शुरू में अजमान स्वामी के पास काम करता था, अजमान स्वामी बहुत मोटे थे ना, बिल्कुल, लेकिन इसका फोन आया, बचा लो आज मर जाऊंगा, मैं कहा क्यों रे, अदनान स्वामी किसी को फोन पे कह रहे हैं कि बहुत दिन से मैं रियाज पे नहीं बैठा, आज पूरा दिन रियाज पे बैठूंगा। अच्छी बात। तो ये उस वक्त दो आवाजें बहुत निकालता था, अमरीश पुरी की, अजय देवगन की, जरा अमरीश पुरी की आवाज सुना कमीने साले बेशरम, हाय हाय, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लज्जो,
दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे जीवन की छोटी सी कहानी है, क्योंकि संक्षिप्त में सुनाई पड़ी, पूरा सुनाएंगे तो फिर काफी समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10-15 साल की स्ट्रगल को 10-15 मिनट में बताना बहुत मुश्किल काम है। जी अगर आपकी बात करें तो आप हाउ ओल्ड आर यू, अभी कितने साल के हैं? आई एम राइट नाउ रनिंग 28। ओके, 28 इयर्स ओल्ड। एंड आप बोल रहे थे, वो शेखर सुमन ने बोला कि 17 साल पहले या जी उन्होंने देखा, तो आपकी जर्नी कब से शुरू हुई? आपने कब सोचा कि आप स्टैंड अप करोगे, लोगों को हंसाओगे, खुशियां फैलाओगे, आपने कब सोचा? गुजराती बोलीश। हाँ, डेफिनेटली जमावट था से। मारी बात करूँ तो जब सुनील भाई बात करी, मारो जन्म बहु नानपण में थे। बराबर। અને હું પોતે જયારે જન્મો ને ત્યારે 6 ડોક્ટરો એ કીધું હતું કે આ છોકરો 6 મહિના નહીં જીવે, એ 6 ગુજરી ગયા, હું હજી જીવું। પણ 6 વર્ષની મારી ઉંમર ને અમદાવાદની અંદર મારા બંને પગનું પહેલું ઓપરેશન, અને બંને પગમાં પ્લાસ્ટર 50 ટકા આવેલા, અને મારા માસીના ઘરે હું હતો અમદાવાદ, એટલે મને ત્યાં ખૂબ પેન થતું, એટલે ત્યારે મારા માસીના ભત્રીજાએ એક જોક્સની કેસેટ મને લઈ આવીને આપી, આ તું સાંભળ, તને બહુ મજા આવશે। મેં એ કેસેટ સાંભળી સાંજે, જયારે નાના નાના બાળકો મારી સાથે રમવા આવ્યા ને, મેં સવારે સાંભળી હતી આખી આખી કેસેટ, એમની સામે રિપીટ કરી, બસ તબસે મારા મમ્મી પપ્પા અને પરિવારને એમ થયું કે આ છોકરો આ લાઈનમાં વધી શકશે આગળ, આજે જે કઈ છે ઈશ્વર દયાથી આપ સૌની સામે। વાહ, બહુ જ સુંદર। અને પોતાના પર જો ક્રિએટ કરવા એમાં ગટ્સ જોઈએ, એટલે વી આર એબ્સોલ્યુટલી પ્રાઉડ ઓફ યુ। ખૂબ ગમ્યો તમારી સાથે મુલાકાત થઈ આજે। અચ્છા સુનિલજી, આપ બતાઈએ અબ તક કા આપકા યાદગાર ઇન્સિડન્ટ, અગર આપકો કુછ યાદ હો, યા ફિર કભી આપ શો કરને ગયે હો વહાં પે, યા ફિર કોઈ બબાલ હુઈ હો, યા ફિર યુ નો કોઈ ફેન એન્કાઉન્ટર હુઆ હો, યા ફિર એનીથિંગ યુ વિચ ઇઝ યુ નો આપકો યાદ હે? તો હોતે રહેતે હૈ, ક્યોંકિ ક્યા હોતા હૈ કિ જૈસે કભી કભી સડનલી કોઈ આકે બોલતા હૈ કિ સુનિલજી આપ મેરે ફેન હૈ, તો મેં બોલતા હું મેં તુમ્હારા ફેન, ઉસકો કહેના હોતા હૈ જરા જલ્દબાજી મેં, ઉસકો યે કહેના હોતા હૈ કિ મેં આપકા ફેન હું। કુછ લોગ એસે ભી કહેતે હૈ એ પાલતુ હૈ, મેં પાલતુ, तो उसका कहना की पालतू है क्या? पालतू, वाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी आशीर्वाद देते हैं कि आज तू पाल है, मेरा आशीर्वाद है कि कल एनाकोंडा बन जाए। तो वो दीवार पे जो पाल होती है ना, उसको जोड़ते कि आज तू दीवार की पाल है, कल को एनाकोंडा बन जाए। और जब ये शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो ये नाम जो है हर किसी को जल्दी जबान पे आता नहीं था, मेरे भी अभी भी नहीं आता मेरे। तो एक शराबी आया, एक तो इंट्रोड्यूस करा रहा किसी से मुझे, और ये नाम ही याद नहीं आ रहा उसको, आप वही हो ना जो ओ प्रोग्राम में आते हो, कौन से इंडियाज मोस्ट वांटेड, कहीं ना कहीं वो इंडियाज मोस्ट वांटेड ही कहीं ना कहीं हमको ऊपर हमने बना के रखा है कि आज भी हम इंडिया के मोस्ट वांटेड कॉमेडियन में उस श्रेणी में रखा है। तो शराबी जो है मेरे जीवन में बहुत बड़े, आपने वो पूरा कैरेक्टर डेवलप किया है, वो क्यों, वो मतलब आपकी कुछ एक्सपीरियंस है खुद कहाँ से? वो जिस एरिया में मैं रहता था सांता क्रूज में, तो वहाँ पर ये कैरेक्टर आते थे, टैक्सी ड्राइवर थे रतन डोरा, तो उनकी मैंने कॉपी की, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि वो खाने का होटल था जम्बू रेस्टोरेंट, और वो बड़े बड़े साउथ इंडियन सेठ लोग जो 7-8 होटल बंद करने के बाद वो बाहर बैठते थे, और ये आके बोलता था खाना दो, अन्ना अन्ना दो, अन्ना दो, अन्ना होटल बंद हो गया, इधर से जाओ, पॉकेट में दे रहा है का, पैसा लाया हूँ, अभी होटल बंद हो गया, हमेशा के लिए बंद करवा दूँ क्या होटल? ऐसा रे, बाल ठाकरे का नाम सुना है? हाँ, उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है। तो वो इस कैरेक्टर पर मैंने पकड़ा, और दोस्त में एक जोक बनाना चाहिए कि ये रतन लाल जो है मेरे को कह रहे हैं कि सुनील मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी, नॉनवेज नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी हूँ। घर पे जाके देखा तो चिकन खा रहे थे,
मैंने कहा आप तो शुद्ध शाकाहारी बोले, तो चिकन खा रहे, ये तो घर की मुर्गी है भे। तो वो ऐसे उनके मुंह से ह्यूमर निकलता रहता था, हम लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे और प्रेजेंट करके। लेकिन बहुत जल्द वो दुनिया से चले गए, क्योंकि बहुत दुबले पतले थे, टीबी के मरीज थे। तो जब मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ही मेरी सिफारिश की होगी कि ये जो स्ट्रगलर है सुनील पाल, इसको जो मुझे नहीं दिया इसको दे दो, मुझे तो टीबी वाला बना है, इसको टीबी वाला बना दो। और इसको तो शायद उनकी सिफारिश ही शायद मेरे साथ रही होगी, यही वजह कि आज मेरी पहचान जो है तन्नूरा है। और बाकी जेसीबी के बारे में क्या, ये तो मेरा जेसीबी है। जय चनियारा बातें, जय चनियारा की बातें कहो या जय चनियारा की का बाउंसर कहो या जय चनियारा की एक एक बॉडी कहो, ये जो भी है जेसीबी है। अच्छा अभी के अगर समय की बात करें तो ऑफकोर्स आप सब लोग जो आपका जो पूरे साथीदार और आप सब जो स्टैंड अप करते थे वो सब लेजेंड्स में आते हैं और वो सब सीनियर में आते हैं। लेकिन अभी अभी ये जो स्टैंड अप का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अभी अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं, वो अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, तो आपको क्या उनके बारे में क्या महसूस होता है? डू यू फाइंड इट अ कॉम्पिटिशन, या फिर आप उनकी स्टैंड अप देखते हैं, उनके सेट्स देखते हैं, शोज देखते हैं, आप क्या मानते हैं उसके ऊपर? अभी क्या जितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं उसके अलग अलग ऑडियंस दिखती है, अलग अलग है। टीवी की ऑडियंस अलग है, फिल्म की ऑडियंस अलग है, स्टेज की ऑडियंस अलग है, ओटीटी की ऑडियंस अलग अलग है, यूट्यूब में जो करते हैं उनका अलग है। तो अभी हमको यही मान के चलना पड़ता है कि भैया जैसे हम लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर जब भी परफॉर्म करने का मौका मिले हमारा बेस्ट होना चाहिए। और वो बेस्ट क्या है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों ने हमें कैसे पसंद किया, किस तरह से पसंद किया, वो प्यार, वो परफॉर्मेंस, वो हमेशा झलकता रहना चाहिए हमारे पास से। सस्ती सफलता के पीछे या सस्ते व्यूज के पीछे भागकर कुछ भी बोल देना या अनसन बोलकर रातों रात जल्दी शॉर्टकट, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि NUMBERONE नंबर वन की स्पेलिंग को शॉर्ट में अगर आप करते हो तो नो वन हो जाता है, नंबर वन नो वन हो जाता है, नो वन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे गुरु से सीखा है हम लोगों ने कि आज जैसे हमारे ग्रेट जॉनी लीवर साहब जो है वो आज 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका मुकाबला कोई नहीं है। उमर शरीफ साहब का कोई मुकाबला नहीं, मोइन अख्तर साहब का मुकाबला नहीं है, के नायगर साहब का कोई मुकाबला नहीं। तो ये इन लोगों से हमने सीखा है और इनकी शागिर्दगी में ही रहकर आगे भी हम काम कर रहे हैं। बाकी सबसे मेरा निवेदन ये है, अगर मानना है तो माने, ना माने तो कोई कर नहीं सकते, कि भैया कॉमेडी का मतलब ही होता है एक हंसाना। और आप उसमें गुस्से की बात कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हैं, तो गाली गलौज जो है वो गुस्से में होती है, वो झगड़े में होती है, वो परफॉर्मेंस में नहीं होती। और इसी विषय पे एक फिल्म लेकर आ रहा हूँ मैं जिसका नाम है गाली गलौज। अच्छा। और जल्दी उसका रिलीज हो जाएगी, शूटिंग खत्म हुई है उसकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली अभी आप दोनों यहाँ पे बैठे हैं और आप दोनों की बातें, आपका मिलाप, वो सब हमने देखा, तो कुछ ऐसा कि जो हम लोगों को दिखा पाए, कुछ स्पॉन्टेनियस है एनीथिंग, आप कुछ बातें करोगे तो भी हमें मजा आ जाएगा। अच्छा। तो जुगलबंदी काइंड ऑफ कुछ अगर हमें देखने को मिल जाए, या फिर दो लड़कियां होती तो जुगलबंदी होती है। दो लड़कियां है तो जुगलबंदी। तो इस वक्त हमारे साथ में जय चनियारा, जिसके सामने दुख दर्द तकलीफ सब है आरा। क्या बात, जब स्टैंड अप करता है तो होता है प्यारा प्यारा, और इसे प्यार करता है हमारा जग सारा। जैसी भी जग, जैसी भी मतलब जय चनियारा बातें। ठीक है, हूँ राजकोट नो छू, राजकोट विषय बात करीश। हाँ, दुनिया ना दरेक गाम फेरो आप हमें, પણ રાજકોટ ઈ રાજકોટ, અહીંયા એક થી ચાર તો માણસ નહી કુતરાય સુઈ જાય બપોરે, ભિખારીએ ડુ નોટ ડિસ્ટર્બ નું બોર્ડ મારીને સુઈ જાય, વાટકો ઊંધો કરી। હું રાજકોટ ની સદર બજાર માં નીકળો, મારા એક ભાઈબંધ મને મળ્યા, એને એક આંખ નહોતી, મને કે આ ડાબી સાઈડ ની દુકાનો કેમ બંધ છે, કીધું વળતા આવે ત્યાં ખુલી જાય, મૂળ પોતાને વન વે જઈ તો જોતા જ નહોતા। રાજકોટ, અહીંયા હું આવવાનો હતો રેડિયો માં,
મેં રિક્ષા પકડી, મેં ભાઈ 92.9 FM જાવું છું. રિક્ષાવાળો લઈ ગયો મને, લઈ આવ્યું. પછી મેં કીધું તું અહીંયા ઉભો રહીશ, મારે સુનિલભાઈ ભેગું પાછું હોટલે જવાનું છે, અડધો કલાકમાં કામ પતી જાય. મને કે હું ઉભો બુભો નહીં રહું. મેં કીધું કા? મને કે આજે ગ્રેટ ઇન્ડિયન લાફ્ટર ચેમ્પિયનમાં સોની ટીવી ઉપર જય સનિયારાનો પ્રોગ્રામ આવવાનો છે, તો મારે જોવો છે. હું એનો બહુ મોટો ચાહક છું. હું 200 રૂપિયા દેવાનો હતો આપા બેને, મેં એને 400 આપ્યા. મેં કીધું વાહ, આપણા ચાહકો ભાઈ જેવા 400 હાથમાં મૂક્યા નહીં ભેગો. રિક્ષાવાળો હું કે ખબર, હવે અડધો કલાકમાં નહીં, એક કલાકમાં તમારું કામ પતાવી ના હું અહીંયા જ ઉભો છું, જય સનિયારો તેલ પીવાય. જય ચંદ્ર કી તારીફ બહુ બડે સેલિબ્રિટી કરતે હૈ. શેખરજીત ને તો બતાઈ દે કેસે કરતે હૈ. અગર હમારે ગૃહમંત્રીજી અગર જય ચંદ્ર કી તારીફ કરેંગે. દેખીએ દેખીએ ભાઈઓ બહેનો, દેખીએ જય ચનિહારા જો હૈ યે હમારે દેશ કી શાન હૈ ઓર ઇસકે સાથ મે હમારે ઘર જૈસે. દેખીએ હમકો, દેખીએ મોટર મે હમકો બોલને દીજીએ, યે જો જય ચનિહારા હૈ માન્યવર, ये सबको वर मान्य हो चुका है, क्योंकि ये मेरे घर जैसा है. ये मेरे घर जैसा है क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ. आप इसके साथ में समर्थन दीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण समर्थन इसके साथ में है, क्योंकि जय चनियारा जो है बहुत आगे जाने वाला है और गुजरात का नाम दुनिया में मान्यवर रोशन करने वाला है. ये जुमला नहीं है, सच है. अब इनके पीछे अगर तारीफ करेंगे तो जैसे पंकज त्रिपाठी बहुत बढ़िया काम करते हो मुन्ना. वाह बहुत बढ़िया मुन्ना, तुम्हारा काम हमने टीवी पे देखा. उसी दिन हमने कसम खा ली मिली कि हम सिर्फ फिल्मों में काम करेंगे, टीवी पे नहीं आएंगे. तुम्हारा मुकाबला बहुत मुश्किल है. तुम जाओगे बहुत दूर, फ्रॉम राजकोट टू मिर्जापुर. नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहेंगे माँ कसम ये मेरा प्यारा दोस्त है, माँ का बाप का भाई का सबका फेवरेट है ये. इसका हर बात पे मेरे को ऐसा हंसी आता है, मैं 15 साल तक सुन सकता हूँ इसको, 15 साल तक. माँ कसम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. और जॉनी लीवर साहब कहेंगे जय चनियारा मेरे बच्चे, मेरे भी छोटे छोटे पिल्ले हैं लेकिन सब तेरे सामने ढिल्ले हैं. तुझे सुनते हैं मजा आता है, तुझे को सिखा उनको भी कॉमेडी बनाना, नारियल पानी पी ले निकल ले. और हमारे कुछ जबरदस्त कलाकार में से सैफ अली खान कहेंगे वेव 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 वेव. आगे से बोलो बस, जय चनियारा जब आता है तो यही शब्द निकलता है वाव, इसका हर काम कमाल है वाव. शाहरुख खान के में जय जय तो बहुत ही टैलेंटेड है, टैलेंट का रईस है, टैलेंट का रईस है जय चनियारा. और आगे चल कर इसी तरह से परफॉर्म करता रहे तो टैलेंट का पठान भी बन जाएगा, समझे? आई लव यू. तमाम दोस्तों की तरफ से, पूरे पूरे आभा मंडल की तरफ से, पूरे माय एफएम की तरफ से जय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया. और आप ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहो. जावेद साहब की तरफ, जावेद साहब कहेंगे भाई देखिए जहां तक मेरी मालूमात है ये वो बंदा नहीं है जो थक के हार जाएगा. इसका तो मानना है कि मंजिलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो मंजिलें हैं, रास्ते हैं. ये बहुत आगे जाएगा भैया, ये बहुत ही टैलेंटेड है. यकीन हालांकि उतना टैलेंटेड नहीं जितना फरहान अख्तर है. क्योंकि गले बैठे में गाना अपने आप में कमाल है. लास्ट में रतन नूरा क्या कहेंगे? हमारा नाम है रतन नूरा और जय शनियारे को दुआ दे रहा हूँ पूरा के पूरा, क्योंकि इसके बिना कॉमेडी है अधूरा और इसके बारे में जो बुरा सोचे वो है धतूरा. क्योंकि कॉमेडी है हम कलाकारों का काशी और मथुरा. सुनील भाई जय कॉमेडी की बात करी, हूँ बात जुड़वा मांगीश के हमारा हास्य सम्राट जॉनी भाई ने जेम सुनील भाई बात करी, ये तो હાસ્ય સમ્રાટ છે જેમાં કોઈ ડાઉટ નથી, પણ અમારા હાસ્યરસના વિશ્વ પિતામાં
શાહબુદ્દીન સાહેબ રાઠોડ સુપર, એમની એક વાત મને બહુ ગમે છે કલાકારો વિશે, ને દરેક કલાકારે આ વાત સ્વીકારવા જેવી છે કે ધ લાઈફ ઓફ એન આર્ટિસ્ટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ કેન્ડલ બર્નિંગ એટ બોથ ધી એન્ડ્સ, નો વન કેન સ્ટોપ ઇટ, કેન સી ઓનલી હાઉ નાઇસલી ડઝ ઇટ બર્ન. બે છેડે સળગતી મીણબત્તી જેવું એક કલાકારનું જીવન છે, કોઈ એને રોકી ના શકે, બસ બધા ખાલી જોઈ શકે કે બહુ સરસ રીતે પ્રજ્વલી રહી છે. પણ માણસમાં અને અગરબત્તીમાં એટલો જ ફરક છે કે અગરબત્તી પોતે બળી અને બીજાને સુગંધ આપે છે, અને માણસ બીજાની સુગંધ જોઈને પોતે બળે છે. વાહ વાહ વાહ, બહુ સુંદર. કિતની સી પોતે ને વાત કી હૈ, દાદાજી બડે ખુશ હોંગે. સો આવી જ સુંદર એવી ઇવનિંગ માટે વી નો કે આપ રેડી હોંગે. સુનિલજી, આજ શામ કે લીએ આપ હમારે વ્યુઅર્સ કો યા હમારે લિસનર્સ કો ક્યા કહેના ચાહોગે? આજ શામ આપ લાઈવ આને વાલે હૈ સ્ટેજ પે, જો કે આપને બોલા કે નયા લિયા હૈ કોટ, વો પહેનુંગા, બહોત સમય કે બાદ મેં પહેનુંગા કોટ. થેન્ક યુ, આપને શો દિયા રાજકોટ, ક્યા બાત હૈ, મુજે યાદ રહે ગયા. આપ ક્યા બોલોગે? યે તો શેર મેં સુના ચુકા હું, યહાં સુનાયા કે વહાં સુનાયા થા? વહાં બાહર. અચ્છા તો યહાં સુના દેતા હું કે દો સાલ કે બાદ પહેનુંગા નયા આજ કોટ, દો સાલ કે બાદ પહેનુંગા નયા આજ કોટ. થેન્ક યુ, આપને શો દિયા પ્યારે રાજકોટ. તો મેં સમજતા હું રાજકોટ કી જનતા સે કહું કે જો ઓલરેડી કલા પ્રેમી હૈ, કલાકાર આપકો પસંદ કરતી હૈ, આપ સબ આઈએ ઓર હમે અપને પરફોર્મ કરને કા મોકા દીજીએ, ઓર જબ આપ ઘર જાયેંગે તો અપને દોસ્તો સે ભી કહીએ કે સુનિલ પાલ કો બુલાઈએ. દો સાલ સે હમ કલાકારો કા બહોત નુકસાન હુઆ, ક્યોંકિ કલાકારો કો હી તો તકલીફ હોતી થી, બાકી તો આદમી કહીં ના કહીં કામ કર લેતા, લેકિન કલાકાર ભીડ મેં થી તો કામ કરેગા, લેકિન જ્યાં ભીડ વહાં કોવિડ, ઠીક હૈ? તો મેં સમજ સકતો કે વો ગડબડ હુઆ થા, લેકિન અબ આપ કહીં પર ભી મેરા શો કરવા સકતે હૈ, મેરા કોઈ ઈગો નહીં હૈ, સિર્ફ પેમેન્ટ હૈ. થેન્ક યુ ફોર લવ યુ ઓલ. આપ સબ ખુશ રહીએ, આબાદ રહીએ, રાજકોટ રહીએ, અમદાવાદ રહીએ, શુભકામના. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ.